बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन विश्वास भी नहीं हो रहा है। आई थिंक 2-3 दिन लग जाएंगे विश्वास करने में कि हाँ सच्ची में हो गया है जिस चीज़ के लिए लगभग 10 साल से मैं लगी हुई थी। माई पेरेंट्स आर इन बिजनेस, दोनों बिजनेस में हैं। मैं 23 साल की हूँ और मैं कैथल हरियाणा से हूँ। मैं तो अपना लिस्ट में नाम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो आई थिंक गॉड की ब्लेसिंग है और मेरे अम्मा पापा का आशीर्वाद है, मम्मा पापा का साथ है, जिस वजह से ये रैंक मिला है। मुझे खुद का तो कुछ भी नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया भी होगा शायद इस रैंक के लिए। आई रीचेक्ड इट, मैंने 2-3 बार रीचेक किया कि हाँ मेरा ही है। पहले तो आई डिसाइडेड कि मैं नाम नहीं देखूंगी क्योंकि नाम से और भी कोई कनेक्ट हो सकती है, मैं रोल नंबर ही सर्च करूंगी। रोल नंबर मैंने सर्च किया, बट रोल नंबर सर्च करते करते ही देख लिया पीडीएफ में ऊपर वाले ही में नाम मेरा आया हुआ है। फिर उसके बाद 2-3 बार किया कि हाँ ये नोमा ही बैठ रहा है कि इस लाइन में, यहाँ 9th ही है। फिर उसके बाद आई हग माई मदर एंड कॉल्ड माई फादर हु इज़ इन होप ऑफिस, तो उन्हें कॉल किया और ये खुशखबरी दी। फिर उसके बाद अम्मा बाबा जी की तस्वीर के पास गई, उन्हें धन्यवाद दिया, कहा कि हाँ थैंक यू सो मच कि आप दोनों के आशीर्वाद की वजह से ही ये मुझे मिला है। मैं एकेडमिकली शुरू से ही अच्छी थी, बीइंग एन ओनली चाइल्ड आई वांटेड टू डू बेस्ट फॉर माय पेरेंट्स, तो एकेडमिकली मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। 10th में मेरे 10 CGPA आए थे। उसके बाद 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया सिविल सर्विसेज़ के लिए ही। आई वाज सेकंड इन द स्टेट इन ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, 96.4% मेरे आए थे। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी LSRDU से की है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आई से एवरी, जो भी आप करना चाहो जीवन में, अगर आप उसमें अपना बेस्ट देना चाहते हो तो वो टफ रहता है, और UPSC भी एक ऐसी ही चीज़ है। जब मैंने डिसाइड कर ही लिया था बचपन में अपनी 7th क्लास में कि मैं UPSC करूँगी, तो उसने उस चीज़ ने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया। और अगर मैं दो पिलर ऑफ सपोर्ट जो मेरे एक इस साइड एक इस साइड हमेशा खड़े रहे, वो मेरे मम्मा पापा थे, और उन्होंने हमेशा मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया, कहा कि बेटा आप कर लोगे, आप रुक नहीं सकते, आप केवल बढ़ने के लिए बने हो, तो एक शिकन भी नहीं लाना है क्योंकि शिकन चिंता करने के लिए हम हैं, आप काम करिए। चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी होती है, एक डिटर्मिनेशन बना के रखना होता है। बट जब 2022 में रिजल्ट आया तो एक सेटबैक सा लगा, बट सेटबैक में ही असली स्ट्रेंथ थी मैं कहूँगी। उस सेटबैक के बाद मैंने अपने आप को उस रूप में देखा, शायद मैंने अपने आप को उससे पहले उतना स्ट्रांग नहीं देखा होगा, तो वो एक मोटिवेशन थी। तो अगर आप गिरते हो तो गिरने की चोट को थोड़ा सा फील करो और फिर उससे भी ज़्यादा एक ऊंची छलांग लगाओ, मैं यही कहना चाहूँगी। लास्ट माइल मॉक इंटरव्यूज़ का बहुत रोल था। मैंने अब की बार 2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, और जबकि जब मैं दूसरा मॉक इंटरव्यू और सेम पैनल के साथ दिए थे, बस चेयरमैन सर चेंज थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया, स्पेशली सनूनी खन्ना मैम, शी मोटिवेटेड मी अलॉट, और कैप्टन सर भी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। लास्ट माइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, स्पेशली फॉर द इंटरव्यू प्रेपरेशन। आर्स डिपेंड नहीं करते, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, स्मार्टली कर रहे हो, हार्डवर्क डाल रहे हो, तो आर्स डोंट मैटर। बट अगर मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि बचपन से ही एक सपना था और था कि हाँ IAS बनना है, तो मेरे आर्स शायद प्रेपरेशन के नहीं होते थे कि इस टाइम मैं पढ़ूंगी, मेरे आर्स होते थे कि इस टाइम मैं खाना खाऊंगी, इस टाइम मैं थोड़ा घूम के आऊँगी, वरना बाकी टाइम इस टाइम मैं सो जाऊँगी, बाकी टाइम मैं पढ़ूंगी। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने किया है, मेरे पास 12th में पॉलिटिकल साइंस थी, बट लास्ट ईयर मेरे पॉलिटिकल साइंस में ही 220 मार्क्स आए थे, तो मुझे लगा मैं तो अपने घर में ही हार गई। और अब की बार आई डोंट नो द मार्क्स येट, बट पॉलिटिकल साइंस में मैंने कहा कि अब की बार उसमें बेस्ट देना है और मार्क्स वहीं से बढ़ाने हैं। आई प्लान टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट टू दिस अमृतकाल एंड सी अ डेवलप्ड इंडिया बाई 2047। This is the quote I actually quoted in my real interview, and this is not a quote, it's a poem by Rumi, जिसमें Rumi जी कहते हैं, वो English में poem है,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपनी बुक में उसे लिखा है. वो कहते हैं कि आई एम बोर्न विद विंग्स एंड दस आई एम नॉट मेंट टू क्रॉल एंड आई फ्लाई फ्लाई एंड फ्लाई. मेहनत करते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो, अगर आप में जज्बा है यू विल श्योरली मेक इट. और अगर एक सेटबैक होता है किसी भी स्टेज पे, प्रीलिम्स पे, मेंस पे, इंटरव्यू पे, वो मैटर नहीं करता इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ कि हाँ करना है. थैंक्स फॉर